हिमाचल प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को सम्मान देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के जिला हमीरपुर में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला के जिस परिवार में बेटी का जन्म होता है उसके माता पिता बेटी के जन्म पर एक औषधीय पौधा लगाते हैं और परिवार के बाकी सदस्य 5 अन्य पौधे लगाकर बेटी के जन्म की खुशी मनाते हैं। योजना के तहत अब तक हमीरपुर जिला में करीब 5,000 औषधीय पौधे लगाए जा चुके हैं। जिला की दहुही पंचायत की महिलाओं का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई गई एक बूटा बेटी के नाम योजना बेटियों को सम्मान देने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक बूटा बेटी के नाम प्रधान मैडम ने लगाए हैं। पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और ऑक्सीजन अच्छी रहेगी, हरियाली आएगी, भूमि कटाव रुकेगा और बेटियों को पढ़ाने का बढ़ावा दिया है। सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, एक बूटा बेटी के नाम, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दे रहे हैं, बराबर बढ़ावा मिल रहा है, बेटियां भी हर क्षेत्र में बेटों से आगे चल रही हैं। जिला के बाल विकास परियोजना अधिकारी बलवीर बिरला का कहना है कि वन विभाग के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बूटा बेटी के नाम अभियान चलाया गया है। बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को रोकने के लिए एक बूटा बेटी के नाम लगाया जाता है जिससे परिवार का पूरा लगाव पौधे से रहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक बूटा बेटी के नाम हम लोग जो है वो लगा रहे हैं। इससे जो है एक तो बेटियों के प्रति जो है वो लोगों की में जागरूकता फैलेगी, क्योंकि बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को रोकने के लिए ये एक बूटा बेटी के नाम जो है वो लगाया है। दूसरा कि उनका लगाव जो है उस बूटे के साथ भी होगा, क्योंकि जो अगर हम वो पौधा लगाएंगे तो पौधे से जो है वो हमारे और भी अन्य फायदे होते हैं, जैसे जो है वो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, दिन प्रतिदिन जो वनों की संख्या घट रही है उनमें जो है वो हमें सहयोग मिलेगा। उल्लेखनीय है कि बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए एक बूटा बेटी के नाम योजना से जिला को भरपूर बल मिला है जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जिसके द्वारा महिलाओं के लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। जिला में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की जन्म दर 980 है। DD News के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।